दोस्तों, डीयू की थर्ड कट ऑफ आ गई और आप सभी के मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे होंगे, जैसे ये एनसीवेब की कट ऑफ क्या है, क्या कट ऑफ में कितना डिप आया है, क्या जनरल कैटेगरी के लिए कुछ चांस बचता है कि नहीं, क्या पॉपुलर कोर्सेज में क्या होगा। तो इन सभी सवाल के जवाब आज मैं देने वाला हूँ, आप देखते रहो इस वीडियो को एंड तक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीयू की थर्ड कट ऑफ की और एनसीवेब की फर्स्ट कट ऑफ की। बट उससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि मेरा फेसबुक का पेज लाइक करो, ताकि मैं आपके पर्सनल क्वेरीज को मैसेजेस के थ्रू सॉल्व कर सकूँ, और अगर मुझे कोई भी यूजफुल आर्टिकल मिले तो मैं वहाँ पर अपडेट कर सकूँ। तो विद दैट बीइंग सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं NCWEB की। तो NCWEB DU का अपना एक अलग सा कोर्स है, ये रेगुलर कोर्स ही है, SOL की तरह पार्ट टाइम कोर्स नहीं है। इस रेगुलर कोर्स के साथ आप कोई और रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते ये, लेकिन सिर्फ दिल्ली और NCR के जो वुमेन हैं उनके लिए ही है। सो लड़के इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये कोर्स वीकेंड पे चलता है और DU के वेकेशन जब हो जाते हैं, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, उन समय हर दिन लगातार चलता है। इसके अभी तक DU में 26 सेंटर्स हैं अंडर ग्रेजुएशन के, मतलब 26 कॉलेजेस ने NCWEB के सेंटर्स बने हुए हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी फीस है सिर्फ 3,500 रुपये। सीट्स के बारे में अगर बात करें तो BA प्रोग्राम में हर सेंटर में है 284 सीट्स और BCom में हर सेंटर में है 184 सीट्स। यही दो कोर्स है जो ये ऑफर करता है। और इसमें रिजर्वेशन का सिस्टम बिल्कुल सेम वही है, 27% OBC, 15% SC, 7.5% ST और 3% PWD। सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट फोर, जैसे हम बेस्ट फोर रेगुलर के लिए कैलकुलेट करते थे वैसे इनके लिए भी कैलकुलेट करना है। सो ऑल द बेस्ट सभी उन गर्ल्स को जिनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट चांस है। और इससे अच्छा कि आप किसी घटिया कॉलेज में एडमिशन लो, मैं आपको कहूँगा कि आप किसी टॉप के सेंटर में NCWEB के एडमिशन ले लो। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। इसमें एक जो बुरी बात है मैं आपको बता दूं, इसमें कैंसिलेशन ऑफ सेंटर अलाउड नहीं है। जैसे कि आप कॉलेजेस में एक कॉलेज से कैंसिल करा के दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, वो चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो प्लीज़ पहली बार में अच्छे सेंटर में एडमिशन लेना। चलो ऑल द बेस्ट आपको। अब बात करते हैं जो थर्ड कट ऑफ आई है उसके, जो मैंने एनालिसिस की है उसके हिसाब से जो फर्स्ट पॉइंट मुझे नज़र आता है वो ये कि जनरल कैटेगरी को कोई भी रिलीफ नहीं मिली। अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कोर्सेज में जनरल कैटेगरी के एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। और उसके अलावा जो पॉपुलर कोर्सेज थे उनमें जो परसेंटेज घटी भी है वो 0.5 से लेके 1% तक ऐसी कुछ घटी है। बहुत कम कॉलेज है जहां 5% तक घटी है। सो मेरा सजेशन सबसे पहले आपको ये होगा कि अब आप ये मान के चलो कि 2 से ज़्यादा कट ऑफ, अब आपके 5th कट ऑफ तक ही आपके पास चांस है, इससे पहले कि जब सब कुछ क्लोज हो जाए। सो अब आपको डिसीजन लेना है कोर्स वर्सेस कॉलेज का, आप कॉलेज प्रेफर करना चाहोगे या कोर्स, जो भी है आप डिसीजन अब ले लो, क्योंकि 2 कट ऑफ के बाद मुश्किल ही है कि कुछ भी अच्छा आपके लिए बचेगा। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट है SC ST स्टूडेंट के लिए, इस बार बहुत राहत आई है। अभी भी एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में ओपन है और उनकी कट ऑफ भी बहुत डिप कर गई है। टॉप के कॉलेज के टॉप के कोर्सेज में भी अगर आप देखो तब उनकी जो कट ऑफ है वो हाई 80s, मतलब 86-87 के अराउंड आ रही है। सो उनके लिए बहुत फायदा हुआ है। और अगर आप आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन देखो तो मुझे लगता है दो से तीन कट ऑफ और SC के लिए और 3 से 4 कट ऑफ और ST के लिए अभी भी आएगी, इससे पहले कि सब कुछ जो अच्छी चीजें हैं वो खत्म हो जाए। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे देखने लायक है वो ये है कि किसी भी पॉपुलर कोर्स में कुछ ज़्यादा डिप नहीं आया, परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है, 5%, 10% ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी पॉपुलर कोर्सेज है उनमें बहुत ही कम डिप आया है। अभी भी BCom ऑनर्स, ECO ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स ये मोस्ट प्रेफर कोर्सेज है इन आर्ट्स एंड कॉमर्स वाली कैटेगरी में। और अगर हम साइंसेज की बात करें तो BSc कंप्यूटर साइंस, BSc फिजिक्स और BSc मैथमेटिक्स अभी भी बहुत पॉपुलर है। केमिस्ट्री थोड़ा सा पीछे है और जियोलॉजी और बॉटनी भी, बट ये तीन बहुत पॉपुलर है। इनकी कट ऑफ अभी भी सिमिलरली जा रही है 0.33 या 0.66 ऐसे ही कम हो रही है इनकी कट ऑफ। सो ये मेरी तरफ से था एनालिसिस और फ्यूचर प्रेडिक्शन। सो अब आपको एक चीज़ जो अच्छी है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लीस्ट प्रिफर कोर्सेज है उनमें संस्कृत और हिंदी अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में क्लोज नहीं हुआ और कट ऑफ भी संस्कृत की बहुत कम है। तो अगर आप ये चाहते थे कि DU के किसी भी एडमिशन में कहीं भी एडमिशन हो जाए बस DU का टैग लग जाए, तो फिर आप संस्कृत में और हिंदी में एडमिशन ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको तब लेना चाहिए जब आपकी कोई सब्जेक्ट की प्रेफरेंस नहीं है। और अगर आप अब ग्रेजुएशन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, तो ग्रेजुएशन जस्ट अ क्वालिफाइंग
अगर एग्जाम के क्वालिफाइंग डिग्री की तरह अगर आप ले रहे हो तो आप टॉप के कॉलेजेस में लो, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलेगा। या फिर आप वैसे केस है जब आपको सिर्फ DU में एडमिशन नाम चाहिए और डिग्री चाहिए DU का, अगर ऐसा कोई केस है तो आपके पास अभी भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बेस्ट कॉलेज में लेने का, आप हिंदी या संस्कृत में एडमिशन ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक और बात, DU कॉलेजेस रैंकिंग की वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अब पोस्ट करने वाला हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।